हेलो फ्रेंड्स, बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहां पर मैं आपके लिए लेके आया हूं एक आरजीबी स्ट्रिप और साथ में इसका रिमोट कंट्रोलर। तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या। अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। आप देख सकते हो कि मेरे पास हैं दो प्रोडक्ट, एक तो है एलईडी स्ट्रिप और दूसरी है एक रिमोट कंट्रोलर। तो फिलहाल आप सभी ने त्योहारों के सीज़न में इन एलईडी लाइट्स को तो देखा ही होगा। तो आजकल दोस्तों जो एलईडी लाइट्स हैं वो काफ़ी स्मार्ट हो चुकी हैं। आप इसका अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हो कि इनकी जो कीमत है वो दोस्तों दिनों दिन गिरती चली जा रही है। और दोस्तों आपको इसमें अब नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो जो एलईडी स्ट्रिप मैंने यहाँ पर हाथ में पकड़ रखी है, ये एक तरह से स्मार्ट एलईडी स्ट्रिप है। इसमें दोस्तों सिंगल एलईडी कोई भी कलर में यहाँ पर जल सकती है। इसमें दोस्तों आपको मिल जाएगी आरजीबी, मतलब कि रेड ब्लू और ग्रीन एलईडीज, और इसको आप यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हो एक पल्स मॉड्यूलेशन सिग्नल से। तो दोस्तों एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करती है इसके बारे में मैं आपको आगे आने वाली किसी वीडियो में बता दूंगा। बट दोस्तों आप ध्यान रखें कि यहाँ पर हर एक एलईडी इंडिविजुअली किसी भी कलर में जल सकती है और मैं इसको इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकता हूँ इस डाटा लाइन के थ्रू। तो आप देख सकते हो कि इन एलईडीज में दो नहीं आपको तीन वायर्स मिल जाएंगी। दोस्तों दो जो साइड की वायर्स हैं ये आपके यहाँ पर पावर के लिए है और जो बीच वाली पिन है वो आपके यहाँ पर डाटा कंट्रोल के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पर पल्स मॉड्यूलेशन का सहारा लिया जाता है इन एलईडीज को जलाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर इस एलईडीज को जलाने के लिए, इसको वर्क कराने के लिए आपको एक तरह से कंट्रोलर लेना पड़ेगा। और ये कंट्रोलर दोस्तों आप रिमोट की फॉर्म में भी ले सकते हो या फिर दोस्तों आप कुछ इस टाइप के कंट्रोलर भी ले सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप रिमोट वाला लेते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, वायरलेस और आयर। तो यहाँ पर वायरलेस टेक्नोलॉजी दोस्तों डिफरेंट है, जबकि आयर आप सभी को मालूम है नॉर्मली रिमोट होता है। आयर एलईडी के थ्रू यहाँ पर कंट्रोल को कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों वायरलेस टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पर आपको पॉइंट करने की जरूरत नहीं, आप कंट्रोलर कहीं भी रख लीजिए और किसी भी डायरेक्शन में आप रिमोट को घुमाइए और आप अपने रिमोट से कंट्रोलर को कनेक्ट कर सकते हो। जबकि दोस्तों आयर में आपको यहाँ पर इनसाइट में रखना पड़ेगा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इन एलईडीज को जलाने के लिए आपको कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर जो मैंने लिया है वो है आरएफ कंट्रोलर, मतलब कि यहाँ पर रिमोट भी है और साथ में कंट्रोलर भी है। तो आइए दोस्तों मैं आपको इसको जलाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इसको चलाने के लिए मुझे चाहिए होगी 5 वोल्ट की पावर सप्लाई। तो आप देख सकते हो कि वोल्टेज अब यहाँ पर 4.99 वोल्ट है और अभी भी दोस्तों ये एलईडी नहीं जल रही है क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज लाइन तो दोस्तों आपकी एक्टिव हो चुकी है, बट दोस्तों अभी जो डाटा सिग्नल है वो अभी कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक तरह से कंट्रोलर की आउटपुट चाहिए जो कि यहाँ पर इसको कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ ये वाला कंट्रोलर और मैं इसको लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे ही कंट्रोलर मैंने यहाँ पर लगाया तो ये एलईडीज हमारी जलनी शुरू हो गई हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस कंट्रोलर के बिना आप इन एलईडीज को नहीं चला सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस कंट्रोलर की जरूरत ही पड़ेगी। तो आइए इस स्ट्रिप को निकाल देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं वाइट में, रेड में, ग्रीन में, ब्लू में एलईडीज को जला सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास फंक्शंस भी है जैसे कि ऑटो मोड में आप देख सकते हो कि अल्टरनेट जो एलईडीज हैं वो जल रही हैं, ऐसे और भी बहुत सारे यहाँ पर फंक्शंस हैं। तो कुल मिला के दोस्तों 358 मोड्स हैं और इसमें भी दोस्तों आप ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, स्पीड को बड़ा कम कर सकते हो। तो फिलहाल ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर इस कंट्रोलर के थ्रू देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसके मैनुअल को पढ़ोगे तो मैनुअल में दोस्तों आपको पता चलेगा कि आप इस रिमोट कंट्रोलर को कैसे यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे आप यहाँ पर रिमोट कंट्रोल आईडी, यहाँ पर नंबर ऑफ एलईडीज और इवन दोस्तों आप यहाँ पर सिंगल साइकिल प्ले या फिर मल्टीपल साइकिल प्ले इस टाइप के फंक्शंस को एडजस्ट कर सकते हो। और आप अगर देखोगे तो इंडिविजुअल एलईडी आपकी दोस्तों तीनों कलर्स में, रेड ब्लू ग्रीन में, तीनों में जल सकती है। और यहाँ पर मैं अगर तीनों एलईडीज को एक साथ जला देता हूँ तो आपको कलर यहाँ पर व्हाइट मिलेगा, अगर मैं सारी एलईडीज को यहाँ पर बंद कर देता हूँ तो आपको कलर ब्लैक मिलेगा, मतलब कि एलईडीज अभी ऑफ है। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं रेड को इंडिविजुअली जलाता हूँ तो मुझे कलर रेड मिलेगा, ग्रीन को जलाता हूँ ग्रीन मिलेगा, ब्लू को जलाता हूँ ब्लू मिलेगा। और यहाँ पर अगर मैं इन तीनों इसको डिफरेंट शेड्स में जलाऊं तो मुझे सारे स्पेक्ट्रम के कलर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक एलईडी सारे कलर्स प्रोड्यूस कर सकती है। और दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पिंक कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, सारे कलर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल आप इस टाइप की स्ट्रिप ले सकते हो। इसका जो परचेजिंग लिंक है मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें, आपको जो एलईडी स्ट्रिप लेनी है आप उसकी वोल्टेज को चेक कर लें, अपने कंट्रोलर की वोल्टेज को चेक कर लें, आप आईसीज को मैच करवा लें क्योंकि यहाँ पर दोस्तों डिफरेंट टाइप की आईसीज आती हैं एलईडी स्ट्रिप के अंदर। तो आपको दोस्तों उसी का कंट्रोलर लेना है। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोलर चेंज कर देता हूँ तो हो सकता है कि कुछ इरेटिक बिहेवियर या फिर कुछ उल्टा फुल्टा आपको यहाँ पर देखने को मिले। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन यही है कि जिस एलईडी स्ट्रिप को आप ले रहे हो आप उसी का कंट्रोलर लें। बाकी अगर आप देखना चाहोगे कि इस कंट्रोलर के अंदर क्या है तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इसका डाइसेशन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि दोस्तों जो इनपुट टर्मिनल है
जो यहाँ पर ये कनेक्टर दिया गया है, ये दोस्तों आपका डायरेक्ट आउटपुट में कनेक्टेड है, मतलब कि इस एलईडी के प्लस और नेगेटिव लाइन में डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप आगे देखोगे तो आपको इसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिलेगी। इसके अंदर है 6.7458 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल ऑसिलेटर। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस आईसी की जो नंबरिंग है उसको मिटा दिया गया है ताकि कोई इसका कॉपी ना बना पाए, ऐसे दोस्तों इस आईसी के ऊपर से भी नंबर को हटा दिया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर पेटेंट होगा जो भी है। तो आप देख सकते हो कि ये कंट्रोलर आपका क्या है, आप यहाँ पर इसका मॉडल देख सकते हो। और ये जो कंट्रोलर है ये आपका वर्क करेगा 5 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो 5 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक की जो एलईडी स्ट्रिप है उसको यहाँ पर जला सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो फिलहाल दोस्तों आप यहाँ पर रिमोट कंट्रोल और एलईडी स्ट्रिप को आपस में मैच करवा के लें, वोल्टेज और आईसीज हैं वो मैच होनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपका कंट्रोलर इन एलईडी स्ट्रिप को नहीं जला पाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आप सभी को पता चलेगा कि इस कंट्रोलर के अंदर क्या होता है और ये एलईडी स्ट्रिप कैसे वर्क करती है। मैं यहाँ पर रेकमेंड करूँगा अगर आप यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बना रहे हो या फिर दोस्तों अपने फंक्शन में कोई एलईडी स्ट्रिप यूज़ करना चाहते हो तो आप इन एलईडी स्ट्रिप्स को मंगवा सकते हो। तो आइए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो स्ट्रिप दी गई है एलईडीज की इसके अंदर आपको कौन सा कंट्रोलर मिल जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं इसका भी डाइसेक्शन कर देता हूं। तो दोस्तों यह है इसका कंट्रोलर और आप देख सकते हो कि जो एलईडी है उसमें मिल रही हैं 4 टांगे, एक तो आपका कॉमन टर्मिनल हो गया और 3 दोस्तों आपकी डिफरेंट कलर की एलईडीज की इनपुट है। इसके लिए कंट्रोलर दिया गया है दोस्तों और ये कंट्रोलर आपका इस ग्रीन लाइन जो कि डाटा लाइन है इसके थ्रू कंट्रोल कर रहा है। जो सिग्नल आपका यहाँ पर मेन कंट्रोलर दे रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर जो कलर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं होता इस एलईडी स्ट्रिप के अंदर, आप इनकी वर्किंग को बहुत आराम से समझ सकते हो। आपके लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रोलर्स मिलते हैं मार्केट में अभी, तो फिलहाल आप इनका डाटा शीट है उसको आराम से सर्च करके देख के अंदाजा लगा सकते हो कि आपको क्या यहाँ पर फंक्शन मिलेंगे। बाकी दोस्तों आप इन एलईडी स्ट्रिप के थ्रू अपने जो फंक्शंस हैं, अपने जो फेस्टिवल है उसको और बढ़िया बना सकते हो। तो फिलहाल मैं इनको रेकमेंड करूंगा। तो दोस्तों ये रहा एलईडी स्ट्रिप जो कि कॉमनली अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों ऐसे मैंने और भी बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी हैं, अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हो और आने वाली वीडियोज़ को मिस नहीं करना चाहते हो तो दोस्तों जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thank you.